नमस्कार, सुरजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई हिस्सों में किया महंगाई राहत कैंप्स का अवलोकन, कहा हमारी जैसी योजनाएं देश भर में कहीं नहीं। बचत राहत और बढ़त के सपने को साकार कर रहा महंगाई राहत कैंप, को लाभार्थियों ने दिया मुख्यमंत्री को धन्यवाद। अलवर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण, लाभार्थियों को गारंटी कार्ड और आवासीय पट्टे किए वितरित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के कालाडेरा में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि ये बात हमारी माता बहनें अच्छे से जानती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसी योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, हमारी बहनें माता बैठी है जानती है कि हर चीज़ महंगी हो गई। सब्जियाँ महंगी है तो दालें महंगी है, सब चीज़ें महंगी है। और बेरोजगारी, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है। देश के अंदर साथ में शांति, प्यार, भाईचारा रहना चाहिए देश के अंदर, तभी तो विकास करेगा देश। और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। हमने बजट पेश किया, इसी थीम को लेकर किया, उसके कारण आज ये कैंप लग रहा है। वैसे तो 10 से ज़्यादा स्कीमें हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है, और उसके कारण से उनकी कोई बचत होगी बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल्स खोले और आज उन स्कूल्स में एडमिशन के लिए लाइन लग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए। हमने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजने का प्रबंध किया है। इन सभी योजनाओं से भी लोगों को महंगाई के समय में राहत मिल रही है। गाँव में खुली इंग्लिश स्कूल खुल गई है, तो उसके अंदर आप सोचिएगा लाइन लगी बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। मुझे खुशी है गांव के लोग समझ गए हैं इंग्लिश का क्या महत्व है। वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने पशुधन बीमा किया है। गायों का बीमा होने से पशुपालक सशक्त बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना में बीमा के लिए हम भैंसों को भी जोड़ेंगे। 40,000 रुपए दे रहे हैं नई गाय खरीदने के लिए, एक गाय के लिए। और आगे गायों का दो दूसरा पशु है, दो गायों को जो दूधारू है उनका मैंने कहा है कि इनका बीमा करेंगे हम, 40,000 का बीमा करेंगे। आगे आने वाले वक्त में कोई गाय मरे नहीं किसी कारण से। इस स्कीम में हम जो भैंस, जिसके भैंस है भैंसों को जोड़ देंगे इसके अंदर, उसका बीमा भी कर देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अलवर के बुद्ध विहार में लगाए गए महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंपों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को गारंटी कार्ड और आवासीय पट्टे वितरित किए। उन्होंने आमजन को महंगाई से राहत प्रदान करने वाली राज्य सरकार की 10 योजनाओं का इन कैंपों के माध्यम से लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन कैंपों से राज्य की जनता को काफी फायदा पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों ने आमजन को राहत देने का काम किया है। तो प्रत्येक परिवार को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा मनरेगा और शहरी बेरोजगारी योजना में 25 दिन बढ़ाए गए हैं, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो पहले 10 लाख रुपये तक की थी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। दुर्घटना बीमा जो 5 लाख तक की थी वो 10 लाख तक बढ़ा दी गई है। पेंशन 1,000 रुपये कर दी गई है। जो राशन मिलता था शुल्क, उसमें केवल गेहूँ मिलते थे, अब उसकी जगह दाल 1 किलो, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, मसाले, 1 किलो तेल, ये सब निःशुल्क दिया गया। वहीं अलवर में लगाए गए महंगाई राहत कैंप्स में आए लोगों ने इन नवाचारों के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से काफी फायदा पहुंच रहा है और आमजन ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
किरण है, अलवर की रहने वाली हूँ, अलापोड़ी की। मैं रात कैंप में आई थी और मुझे चार चीज़ों का फ़ायदा मिला है, एक गैस सिलेंडर का और एक राशन कार्ड का और एक बिजली का बिल का और एक चिरंजीवी योजना का मुझे लाभ मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सतीश सैन है, मैं रात कैंप पे आया हूँ। दूसरे नंबर के बोर्ड के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई राहत शिविरों में आ रहे लाभार्थियों को यहां की व्यवस्थाएं भी काफी पसंद आ रही हैं। लाभार्थियों को एक ही जगह पर सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, इस नवाचार के लिए लोग मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं यहाँ कैंप में आई थी। मैं सुबह कैंप में आई, मुझे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। वाटर पानी की, ठंडा पानी, कूलर, गर्मी से बहुत राहत भी है। कैंप में मतलब टैंक वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन यहाँ पर ना सारी जगह एक ही चीज़ें, ऐसे पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा का और ऋण का जो भी सारे लाभ हैं अशोक गहलोत जी तरफ से, सारे हमें एक ही जगह मिल रहे हैं और जल्दी ही हमारा काम यहाँ बड़ी आसानी से हो रहा है। और इसके लिए मैं अशोक गहलोत जी को, अपने CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। जिस समय पेंशन भी ना, पहले 500 मिलती थी, हमारी पेंशन 1000 हो गई। इसके लिए मैं बहुत सहज दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया योजना है। 10 इसमें स्कीम लाए गए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, BPL योजना, इनको 500 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा। ये गरीब लोगों के हित की योजना है। चिरंजीवी योजना, जो पहले 10 लाख तक का बीमा हो रहा था, उसको बढ़ाकर 25 लाख तक का बीमा कर दिया गया है। और खास सुरक्षा में आपका नाम जुड़वाना चाहें, और जो गरीब लोगों को जो पेंशन मिलती थी 750 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर उसको 1000 रुपये कर दिया गया गहलोत सरकार ने। ये योजनाएं गहलोत सरकार ने करी। बिजली का बिल जो 50 यूनिट तक फ्री था, वो अब 100 यूनिट तक फ्री होगा। लेकिन ये प्रत्येक कैंप में प्रत्येक आदमी, जो गरीब आदमी जो लाभ उठाना चाहेगा, उसको कैंप तक आना पड़ेगा ताकि उसको पता लगे कि हाँ, गहलोत साहब ने ये 50 बिजली यूनिट से 100 यूनिट तक फ्री की है, ताकि आम जन लोगों तक, गरीब लोगों तक ये योजना पहुँच सके। जो हमारी योजना थी वो तो हमारे को मिल चुकी, मिल रही है और मिल भी रही है। खाद्य सामग्री का भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है। और ये अब और हमारा ये भी और हो गया काम, चिरंजीव का भी हो गया, 25 लाख का हो गया, 10 लाख दुर्घटना का हो गया, और काम हो रहा है हमारा, बढ़िया काम हो रहा है। हमारे खाने के नाज भी मिल रही है और सब तो हो रहा ही है। धन्यवाद हो मुख्यमंत्री जी ने, और ये योजना निकाली जे बहुत बढ़िया योजना निकाली जे, और साथ रहने वाला साथ ही चलाने वाली। गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तो गैस सिलेंडर 500 रुपये की जो राहत दी है गरीबों को, एक बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो 750 रुपये पेंशन थी, अब उसको 1000 रुपये कर दिया है, वो भी एक बहुत अच्छी सौगात है। इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और बिजली के बिल में जो 100 यूनिट इन्होंने कम की है, इससे क्या गरीब लोगों को जो कम बिजली खर्च करते हैं उनको इसका बड़ा लाभ होगा। बहुत से तो परिवारों को 0 बैलेंस के भी बिल आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकार की तरफ से महंगाई राहत कैंपों की जानकारी प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में भी पहुंचाई जा रही है, ताकि वहां भी लोग लाभ ले सकें। उदयपुर जिले के दूरस्थ ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों की बस्तियों में रहने वाले लोगों को महंगाई राहत कैंप्स के बारे में चौपहिया वाहन पर लाउडस्पीकर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। 4/2023 को ग्राम पंचायत टीडी में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारकर योजना का लाभ ले रहे हैं। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर श्री प्रकाश चंद शर्मा ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां आए लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। वहीं लाभार्थियों ने भी राज्य सरकार की योजनाओं को सराहा और मुख्यमंत्री का आभार जताया। मेरा नाम ग्राम पंचायत मुन्नीहल्ला से हूँ। इस कैंप के माध्यम से मेरे इस ग्राम पंचायत के लोगों को मतलब जो जो योजनाएं सरकार के द्वारा जो निकाली गई है, उसके जो फायदे हुए, जो योजना है, एक चिरंजीवी बीमा योजना है और एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख का। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।